नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देखें डीजे लाइट ट्रिक्स। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था पिकअप ट्रॉली स्टाइल रनिंग, जिसका पार्ट वन आप देख चुके हैं। और अगर आप अभी तक पार्ट वन नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आई बटन में भी लिंक दिया गया है, आप जा करके वो वीडियो देखें ताकि आपको कम्प्लीट सारा प्रोग्रामिंग समझ में आ जाए, नहीं तो केवल पार्ट टू देखने से शायद आपको समझ में ना आ पाए। तो दोस्तों पार्ट वन को भी जा करके देख ही लें। चलिए दोस्तों अब इसे हम चेस्ट में ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा चेस्ट नंबर वन ऐड करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम को करेंगे लॉन्ग प्रेस। बेंच में हमारा 101 है, अब चेस्ट नंबर वन को ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा चेस्ट का पहचान ये है, चेस्ट के ऊपर में एक लिखा गया यानी चेस्ट नंबर वन ऐड हो चुका है और हमारा बेंच है 101। और दोस्तों हमारा जो बेंच नंबर 101 में है उसका फर्स्ट नंबर स्कैन में ये है, मिनी ऐड पर करेंगे, दूसरा मिनी, तीन, चार। अब दोस्तों यहाँ पर के देखिए फिर से एक बार चार को प्रेस करके मिनी ऐड करना है और वापस से रिटर्न ले आना है। तो दोस्तों जब ये साउंड मोड में चलेगा तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस रनिंग में। तो इसके बाद हमें फिर पांच नंबर को दबा करके एक बार ऑफ कर लेना है ताकि लगेगा ये इंडिकेटर के टाइप में ऑन हो रहा है। ये देखिए हमें चार तक आए, उसके बाद यहाँ पर से वापस हमें चार को फिर से ऐड करना है, तीन दो एक, उसके बाद पाँच, फिर से एक दो तीन चार, चार तीन दो एक पाँच। दोस्तों इस क्रम को पाँच छः बार रिपीट कर लेंगे ताकि मज़ा आएगा जब हमारे दोस्तों में ये डिज़ाइन चले तो काफ़ी अच्छा लगे दोस्तों को। तो दोस्तों हमारा चेस्ट नंबर वन ऐड हो चुका है, अब इसे प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस करेंगे और ब्लैकआउट। अब दोस्तों हम चेक कर लेंगे चेस्ट नंबर एट क्या किस टाइप में ऐड हुआ है। तो ये रहा चेस्ट नंबर वन और हम दबाएंगे ऑटो वाले एक बार बटन को और स्पीड वाले फिलर को ऑन। तो दोस्तों ये अभी लग रहा है कुछ जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर के जैसा। तो दोस्तों जब ये साउंड मोड में चलेगा तो काफ़ी यूनिक टाइप में लगने वाला है ये डिज़ाइन। तो चलिए दोस्तों इसके अगले वाले डिज़ाइन की ओर बढ़ते हैं। फिर से प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस, बेंच में 102 कर देना है और इसमें चेस्ट नंबर दो। अब इसका एक को मिनियर, दो तीन चार को वापस से फिर दबाना है, तीन दो एक फिर पाँच, फिर से एक दो तीन चार, चार तीन दो एक पाँच। दोस्तों यानी कि पूरा नीचे जब आए हमारा वॉल्यूम तो ये वापस ऑफ हो जाए, इस टाइप में लगना चाहिए दर्शक लोग को। दोस्तों इसे हम करीब पाँच छः बार कर चुके हैं, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अब दोस्तों इसे भी हम सेव कर देते हैं, प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस, ब्लैकआउट। तो हमारा दूसरा चेस्ट, दोस्तों हमारा दूसरा चेस्ट भी ऐड हो चुका है, अब हम तीसरा चेस्ट को ऐड करेंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसे चेक भी करते जा सकते हैं। तो चलिए हम फिर से अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। बैंक नंबर 103,
चेस्ट नंबर 3 और एक नंबर स्कैन कौन की लीनियर 2 3 4 5 6 वापस से 6 5 4 3 2 1। अब दोस्तों इसमें केवल आगे जाते जाना है और वापस पीछे आना है, इसलिए इसमें ऑफ तो नहीं करेंगे। समय दोस्तों ये रिटर्निंग रनिंग हो रहा है, तो इसे हम भी 5-6 बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर ला करके और इसे एक बार प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस, ब्लैकआउट। हमारा तीसरा नंबर चेस एड हो चुका है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की ओर। तो प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस, बैंक में 104 दे देना है और चेस नंबर 4, इसका एक नंबर कौन किया मिनी है, दूसरे को मिनी है। दोस्तों यहाँ पर तीसरे में फुल कलर आ जाएगा, इसलिए भी तीसरा काउंट नहीं करेंगे। फिर से वापस एक को भी, तो यहाँ पर ये दायां बायां करेगा। और इसके बाद हम इसे दूसरा फील्ड में ले जाते हैं वाइट से। इसे हम दोस्तों इस कलर को हम 5-5 बार 1 2 3 4 5 प्रेस करते जाते हैं। अभी से प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस, ब्लैकआउट। अभी हमारा था 4 नंबर चेस। दोस्तों अगले प्रोग्रामिंग पर बढ़ते हैं। तो फिर से प्रोग्राम को करेंगे लॉन्ग प्रेस, बेंच में 105, चेस्ट नंबर 5 और एक नंबर स्कैन मिनी एड। दोस्तों इसे हम 3-3 बार मिनी एड करेंगे, 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर से 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3। अब दोस्तों इसे प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस, ब्लैकआउट। 5वां नंबर 6। अब दोस्तों लास्ट हमारा 6ठा फंक्शन बचा है, इसमें फिर से प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस, 106, चेस्ट नंबर 6। ये रहा हमारा रनिंग वाला प्रोग्राम था, इसको मिनी एड, 2 मिनी एड 3 मिनी एड। अब फिर से वापस 1 2 3 1 2 3। दोस्तों इसे रिटर्न नहीं करना है, इसे फॉरवर्ड में ही जाने देना है, ये पिक्सल टाइप रनिंग रहेगा। तो इसे प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस और ब्लैकआउट। और 6ठे नंबर को भी चेक कर लेते हैं एक बार, और ऑटो। तो दोस्तों ये कंटिन्यू रनिंग वाला फिक्सल टाइम में रनिंग बन गया। अब दोस्तों फाइनली आई हमारी टेस्टिंग की बारी, तो आइए अभी इसे जिसके लिए हम आज प्रोग्राम को ऐड किए हैं, जैसे कि इसे हम साउंड मोड में चलाने वाले हैं, जैसे हमारी गाना के बीट रहेगी, बेस जैसे बजेगा उस टाइप में ही हमारा रनिंग होगा। तो चलिए दोस्तों टेस्टिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो
तो दोस्तों साउंड मोड में हमें DMS को प्ले करवाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। देखिए हमारे यहाँ पे म्यूजिक का एक बटन दिया गया है, केवल इस बटन को एक बार प्रेस करना है। ये देखिए हमारा म्यूजिक का बटन एक बार प्रेस हो चुका है। यहाँ पर LED देखिए, तो यहाँ म्यूजिक वाला LED ऑन हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे चेस नंबर 6 5 4 3 2 1 सारे चेस को यहाँ पर ऑन कर दिए हैं। अब केवल म्यूजिक प्ले करने की देर है। और ये देखिए हम म्यूजिक को प्ले करते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा म्यूजिक में ये हमारा DMS किस प्रकार से काम कर रहा था और हमारी सारी पावर लाइट्स किस कितना स्पीड में वर्क कर रहे थे, रन कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों वही सारे डिज़ाइन, वही सारे चेस। अब इसको ऑटो मोड में एक बार रन करके देखते हैं तो उसका क्या स्पीड है। तो ये रहा हमारा ऑटो मोड, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये नॉर्मल मोड है, ये हमारा ऑटो मोड में काम कर रहा है अभी, और वो हमारा साउंड मोड था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल में आप नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।